अन्नी भाई। हाँ भाई, रामायण का पूरा सच क्या है? भाई रामायण में सारे राक्षसों का वध हो गया था, लेकिन भाई सुपर नखा का वध नहीं दिखाया था। उसकी नाक और कान काट के भाई उसको छोड़ दिया गया था। रावण के मर जाने के बाद सुपर नखा अपने पति यानी शुक्राचार्य के पास उसके आश्रम में पहुंचती है। तो भाई राक्षस जाति का नाश ना हो इसलिए वो दोनों मिलकर शिव जी की आराधना करते हैं। तो भाई शिव जी प्रसन्न होकर अपना स्वरूप उन्हें देते हैं, मतलब एक शिवलिंग देते हैं और बोलते हैं ये वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर कहीं ऐसी जगह स्थित करो यहाँ पे कोई हिंदू इस पे जल ना चढ़ा पाए, जल चढ़ने के बाद पूरे राक्षस जाति का नाश हो जाएगा। तो भाई वो रेगिस्तान में मक्का मदीना वो लोग उस शिवलिंग को स्थित करते हैं जो आज भी मक्का मदीना में हज के नाम से जाना जाता है। तो भाई ये लोग बुरखा क्यों पहनते हैं? भाई बुरखा वो इसलिए पहनते क्योंकि भाई सुपर नखा की नाक और कान काट दी थी, तो भाई वो खुद को एक काले कपड़े से ढक के चलती थी, इसलिए आज भी उसके वंशज इस परंपरा को निभाते हैं। और ये शुक्रवार को इतना क्यों मानते हैं? भाई क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दिया था, मतलब राक्षस जाति को जीवन दिया था, इसलिए भाई ये शुक्राचार्य मतलब जुम्मा बनाते हैं। भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो। जय श्री राम।